नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। नमस्कार, मैं हूं अनिल पांडे। नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। खरगोन शहर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर संघर्ष समिति का संघर्ष जारी है। नित नए लोग इस संघर्ष समिति से जुड़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ते जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि समाज के सभी वर्गों का इसको सहयोग मिल रहा है। ऐसे ही संघर्ष समिति और मेडिकल कॉलेज खरगोन में स्थापित हो, इसी विचार को लेकर के आज मेडिकल कॉलेज का सच में हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर शालिनी रतोरिया, जो कि मध्य प्रदेश शासन की नई शिक्षा नीति को लेकर तैयार टास्क फोर्स का हिस्सा हैं। मेरे साथ उपस्थित हैं विजय लक्ष्मी सावले मैम, जो कि मध्य प्रदेश अतिथि व्याख्याता संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आप दोनों अतिथियों का SW24 न्यूज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। शालिनी जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि खरगोन शहर में जो मेडिकल कॉलेज स्थापना का मुद्दा गर्मा रहा है इन दिनों, और काफ़ी सकारात्मक दिशा में आगे भी बढ़ रहा है, क्योंकि इससे जो लोग जुड़ते जा रहे हैं और ये कारवां जो बढ़ते जा रहा है, इसे देख कर लग रहा है कि जनप्रतिनिधियों को इस संघर्ष के आगे एक न एक दिन तो झुकना ही पड़ेगा। वैसे काफ़ी हद तक जनप्रतिनिधि भी सकारात्मक रूप से इस मांग के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी वो स्पष्ट रूप से ये नहीं कह पा रहे हैं कि खरगोन जिला मुख्यालय पर ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। तो आप क्या समझती हैं, ये स्थितियां कब बन पाएगी जब ये संघर्ष सफल होगा? धन्यवाद अनिल जी। पहले तो मैं आपके चैनल और आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने एक सामाजिक विषय को अपने चैनल के माध्यम से उठाया है। इस विषय में मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगी कि जैसे मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल है, ऐसे पूरे निमाड़ का हृदय स्थल है खरगोन। और खरगोन के लिए ऐसी योजनाएँ बहुत सी आईं, लेकिन मेडिकल कॉलेज भी प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे लिए स्वीकृत किया गया, हमारे लिए आवंटित करने की घोषणा की गई। और जब हम इसको भी अपने हाथों से जाता हुआ देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हृदय को छलनी करने जैसा है। तो इसीलिए जो आम जनता है इस बार बहुत जागृत हुई है, और ऐसा लग रहा है कि अब इसको तो हम अपने हाथों से बिल्कुल नहीं जाने दे सकते। चूँकि ये सामाजिक विषय है, हर क्षेत्र की अपनी विशेषता होती है। जैसे यदि बात करें कि खरगोन से जुड़े हुए क्षेत्रों में हम बात करें, तो जो खरगोन है इसमें जनसंख्या का घनत्व इसके आसपास के क्षेत्र से सबसे ज़्यादा है। और यदि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आता है तो इससे एक बड़ी जनसंख्या को लाभ मिलेगा। ये कॉलेज कहीं भी हो सकता था, लेकिन खरगोन क्यों चुना गया, इसके पीछे भी एक बड़ा लॉजिक है कि यहाँ उतनी बड़ी जनसंख्या है जिससे इसको लाभ मिल पाएगा। यहाँ जितनी बॉर्डर्स टच कर रही हैं, उससे आने जाने वाले लोग जो हैं वो आसानी से यहाँ पहुँच के इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। तो जहाँ सुविधाओं का लाभ मिल सके, ऐसे स्थान पे यदि मेडिकल कॉलेज बनता है तो निश्चित ही उसकी उपयोगिता सिद्ध होगी। यदि हम ऐसी जगह पे बना दें जहाँ उसकी उपयोगिता उतनी ना हो पाए जितनी किसी और स्थान पे होने से होती है, तो ये बिल्कुल ही निराधार और लॉजिकल बात होगी। इसीलिए मुझे लगता है कि ये मेडिकल कॉलेज खरगोन पे ही होना चाहिए, जिला मुख्यालय पे ही होना चाहिए, क्योंकि अभी ये जो कोविड की परिस्थिति आई उसमें भी हमने देखा कि कितने प्रतिशत जनता जो है वो यहाँ पर पहुँच रही है, और उनको इसका लाभ मिलना ही चाहिए। यदि हमारे पास संसाधन होते, कॉलेज होता, तो आज परिदृश्य कुछ और होता, और शायद जितना हम लोगों ने ये नुकसान देखा है उतना हम नहीं उठाते। इसीलिए मुझे लगता है कि ये मेडिकल कॉलेज यही होना चाहिए और यही केंद्र बिंदु है, और इसी पर आगे भी हम लोगों ने विचार करना चाहिए। निसंदेह आपने जो भी लॉजिक बताया इस मेडिकल कॉलेज की जिला मुख्यालय पर स्थापना को लेके, निसंदेह वो 100% अकाट्य हैं। और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज अगर स्थापित होता है तो उसको बहुत सारे संसाधन सुलभ हो सकेंगे। उसकी जो यहाँ पे निर्माण होना है, उसका जो यहाँ पे संचालन हो रहा है होना है, उसमें जितने सारी उसको सुविधाएं चाहिए वो जिला मुख्यालय पे मिलेगी। विजय लक्ष्मी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि खरगोन जिला जो है किसी भी
वर्ग को कहें, हम सत्ता पक्ष विपक्ष या कोई किसी को भी कहें, सभी जानते हैं और सब बार बार इस चीज़ की दुहाई भी देते हैं कि खरगोन जिला आदिवासी बहुल है, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति वर्ग का यहाँ पे की यहाँ पे बहुलता है। उसके बावजूद भी दो दफ़े यहाँ पर मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए, अन्य स्थानों पर चले गए, तीसरी बार फिर स्वीकृत हुआ। तो क्या शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको अब ये विचार नहीं करना चाहिए कि बहुत हो चुका, इस आदिवासी क्षेत्र को, इस जनजाति क्षेत्र को, इस अनुसूचित जाति क्षेत्र को अब मेडिकल कॉलेज की सुविधा दी जाए? बिल्कुल अनिल जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को कि आपने एक जन आंदोलन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ से हर व्यक्ति अपनी मन की बात कह सकता है। मन की बात देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं, उन्हें मंच मिलता है और आज आपने खरगोन की जो आम जनता है उसको एक मंच दे दिया है ताकि वो अपनी मन की कुंठा निकाल सके। ये बड़ा ही दयनीय स्थिति में बताना चाहूँगी आपको, विगत 20-25 वर्षों में कहीं अच्छी अच्छी चीज़ें खरगोन जिले के लिए आई। ये खरगोन की जनता भी इस चीज़ को जानती है कि कभी नर्मदा मैया यहाँ आना चाहती थी, कभी सगर मील यहाँ आना चाहती थी, कभी कई अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ आती आते रास्ते से वापस चली गई। कहीं ना कहीं वहाँ पर लोगों की जो मन की इच्छा थी वो मन में ही दबी रही। मैं अतिशोक्ति ना कहूँ तो खरगोन निमाड़ को नर्मदा का जल ना मिला पर मालवा को मिला। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की भी यहाँ कमी थी, जनता की भी यहाँ कमी थी, क्योंकि जनता ने भी अपनी बात मंच पर लाकर नहीं कही। यह हो सकता है उन्हें अच्छा सा मंच आपके द्वारा उस समय नहीं प्राप्त हुआ, नहीं तो ये निमाड़ यहाँ पर और भी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। किंतु अब जो अवसर आया है, मैं आम जनता से भी निवेदन करूँगी, शिक्षाविदों से भी निवेदन करूँगी, साहित्यिक लोगों से भी निवेदन करूँगी और सभी से कहूँगी, जनप्रतिनिधि भी अपने मन को एक बार टटोलें तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़रूरी है खरगोन मुख्यालय पर एक ऐसा महाविद्यालय जो स्वास्थ्य की सेवा करे, जो जन की सेवा करे। राजनीति करने के कहीं अवसर आएंगे लोग तब कर लें, अभी तो जन भावना को समय जन भावना को समझे और जन की जो समस्या है कि महाविद्यालय यहाँ हो स्वास्थ्य विभाग का, तो उसे यही होना चाहिए। वहाँ सब अपने मन पे हाथ रख के कहें कि हम निमाड़ के बच्चे हैं और खरगोन में अगर महाविद्यालय बनेगा तो इस खरगोन से लगे हुए 9 संभाग और उसमें पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे कहीं ना कहीं मन में आस लगा के बैठे हैं कि हम भी कभी मेडिकल डॉक्टर बने, हम भी नर्स बने, हम भी टीचर्स, हम भी स्वास्थ्य विभाग में काम करें और इस निमाड़ की सेवा करें। तो उन भावनाओं को जनप्रतिनिधियों को भी समझना पड़ेगा, अपनी राजनीतिक इच्छाओं को साइड में रखें और केवल जन भावना को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मेडिकल कॉलेज लाएं। बहुत ही अच्छा कहा आपने कि अपनी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसको मजबूत करें और अपने जो भी स्वार्थ हैं, अपनी व्यक्तिगत बातें हैं, उनको आप एक तरफ रख के इस जन आंदोलन से जुड़ें सभी जनप्रतिनिधि, तो निसंदेह ये जो संघर्ष है ये सफलता में बदलेगा। और जो लंबे कई वर्षों से दशकों से इंतजार है इस खरगोन जिले को मेडिकल कॉलेज की स्थापना का, वो पूरा हो पाएगा। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा विजयलक्ष्मी जी कि खरगोन शहर आज भी पहचान का मोहताज है, नवग्रह मंदिर के अलावा हमारी कोई पहचान नहीं है। हमको अगर प्रदेश के मानचित्र पर या राष्ट्रीय मानचित्र पर देखें तो हम वहाँ जाकर के खरगोन शब्द का जब उल्लेख करते हैं कि हम अपना स्थान बताते हैं खरगोन, तो हम ये बता नहीं पाते कि खरगोन आखिर है कहाँ। इस क्षेत्र में जब जब भी विकास की बात आई, जब जब भी विकास की बात आई, विकास यहाँ को छूता हुआ निकल गया लेकिन यहाँ पर ठहर नहीं पाया। कृषि महाविद्यालय हो, जिला न्यायालय हो, दूसरे कोई औद्योगिक संस्थान हो, रोजगार के यहाँ पे अवसर हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। आखिर क्यों इतने जनप्रतिनिधि, इतने बड़े बड़े यहाँ पे दिग्गज राजनेता आए जिन्होंने बड़े बड़े काम करे लेकिन इस खरगोन जिला मुख्यालय को विकास से अछूता रखा, क्या कारण रहे? जी, इस बात का मैं पुरजोर सपोर्ट करूँगी आपको भाई साहब कि वो समय था जब हम छात्र जीवन में थे तब भी हम कई बार सोचते थे कि शायद खरगोन में कोई चीज़ आते आते चले जाती है। जैसे यूँ लगता था कि उसको कोई नया रास्ता लेके व्यक्ति अपनी दिशा में ले जाता था। कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ उस समय के बड़े गद्दावर नेता हुआ करते थे वो लोग भी अपने क्षेत्र में ही किसी विशेष योजना को ले गए, अपने क्षेत्र में ही किसी विशेष परियोजना को ले गए, लेकिन खरगोन को किसी ने अपना नहीं माना। मेरा व्यक्तिगत ये विचार है कि किसी भी बड़े नेता ने खरगोन को अपना नहीं माना। खरगोन की किसी विशेष विधानसभा को माना हो, किसी विशेष स्थान को माना हो, किंतु खरगोन जो क्षेत्र है उसको हमेशा लोगों ने छोड़ ही दिया।
कई बार अच्छे नेता भी यहाँ पर आए, ना कहीं उनमें राजनीतिक शक्तियाँ या मन की जो इच्छाएं वो कम थी। वो ये नहीं चाहते थे कि खरगोन उभर कर आ गया है, वो खुद उभर कर आगे चले गए। वो मानचित्र पर खुद को दिखाने में जिस माटी से वो निकले उस माटी को भूल गए, ये बड़ा कारण हो सकता है। निसंदेह आपने फिर वही बात कही, और ये चीज़ें 100% लागू होती हैं इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों पे कि उन्होंने उनकी महत्वाकांक्षाओं को महत्व दिया, ना कि क्षेत्र के विकास को। जो आज दुर्दशा हम झेल रहे हैं, ये मुझे दुख मन से कहना पड़ेगा कि आपके जो भी शब्द हैं, जो आपके विचार हैं, पूरी तरह से सत्य हैं। डॉक्टर शालिनी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप मध्य प्रदेश शासन की नवीन शिक्षा नीति को लेकर के एक तैयार टास्क फोर्स है, उसका हिस्सा हैं, और जिसमें कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को में आपने विशेष रूप से आपने उसमें अपनी सहभागिता दी है, आप अपने विचार रखेंगे। क्यों ना खरगोन जिले में ही एक ऐसा व्यावसायिक, जो ये मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं हम, यहीं से शुरुआत हो आपके कार्य की। और एक चीज़ और जानना चाहूँगा इसके साथ में आपसे कि खरगोन विधानसभा ही नहीं, पूरे ज़िले की मैं स्थिति देख रहा हूँ कि राजनीतिक कार्यक्रमों से हट के सामाजिक कार्यक्रमों में, सामाजिक जन आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका इस क्षेत्र में नगण्य रही है, आज तक वो स्थिति है। क्यों? मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि हम सभी प्रजातंत्र में रह रहे हैं, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। अक्सर प्रतिनिधित्व करते समय जनप्रतिनिधि आगे बढ़ जाता है और जो जनता के मन की बात है वो पीछे ही छूट जाती है। तो बहुत से केसेस में हम लोगों ने खरगोन में इसको देखा है और महसूस किया है। रही बात टास्क फोर्स की, तो मैं उसके संबंध में आपको ये बताना चाहूँगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है, उसमें मुझे निमाड़ क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। मैं राज्य की समिति में हूँ और ये एक बहुत बड़ी क्रांति है जो शिक्षा जगत में आने वाली है। भारत के जिस मतलब ये एक ऐसी नीति है जिसके मूल में भारत है, तो जो भारत को चाहिए, जो भारत की केंद्रित नीति हो, वो इस नई शिक्षा नीति में समाहित है। इसके माध्यम से चाहे ट्राइबल बेल्ट हो, कोई भी बेल्ट हो, वो लाभान्वित हो सकेगा। इसमें क्षेत्रीय भाषाओं को विशेष महत्व दिया गया है। जैसे हम देखते हैं कि हम कहते हैं खरगोन जो है वो ट्राइबल बेल्ट में आता है, तो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा को भी ध्यान में रखकर, वहाँ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्या व्यवसाय शुभारम्भ किए जा सकते हैं, और ये सारी चीज़ों को नई शिक्षा नीति में स्थान मिला है। रही बात मेडिकल कॉलेज की, तो ये भी एक व्यावसायिक शिक्षा या सेवा का क्षेत्र है, और इससे शुरुआत होगी यदि तो मुझे भी खुशी होगी कि जिस कार्य के लिए या जिस उद्देश्य के लिए हम समाज में कार्य कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं उस उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि खरगोन मेरी जन्मभूमि भी है, खरगोन मेरी कर्मभूमि है भी है, और मेरे हृदय में खरगोन है। मतलब खरगोन के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ये मेरे मन में हमेशा रहता है। तो यदि इस कार्य से या अन्य किसी कार्य से खरगोन में यदि हम कोई सेवा ऐसी शुरू कर पाएंगे, तो मुझे भी खुशी होगी और पूरे क्षेत्र को खुशी होगी। रही बात महिलाओं को नेतृत्व प्रदान करने की, तो खरगोन में ऐसे अवसर बहुत आए। खरगोन की जनता भी चाहती है, और जब सही समय सही स्थान होता है तब वहाँ पे प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब एक व्यक्ति या व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है, तब संगठन कहीं ना कहीं पीछे छूटने लगता है। जब इस सोच से हम बाहर निकलेंगे तो किसी भी क्षेत्र में महिलाएं जो हैं वो अपना प्रतिनिधित्व करने में पीछे नहीं रहेगी, चाहे वो किसी भी तरीके का कार्य हो, किसी भी तरीके का सामाजिक कार्य हो, या और कहीं नेतृत्व करने का अवसर हो। शैलेंद्र जी, आपका जो कार्य क्षेत्र रहा काफ़ी व्यापक रहा, और आपने जमीन से जुड़ करके कार्य किया, महिलाओं के बीच काफ़ी आपकी उपस्थिति रही, और एक उनमें एक अच्छा एक क्रेज़ है, आपको पहचानते हैं। इस संघर्ष समिति से जुड़ने के लिए आप उन महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गृहिणी अपने बच्चों के लिए जो एक सुंदर सपना देख रही हैं, एक सुंदर भविष्य देख रही हैं, वो भी इस मेडिकल कॉलेज के द्वारा पूरा हो सकता है, उनके बच्चे भी डॉक्टर बनकर निकल सकते हैं। इस आदिवासी क्षेत्र से भी सैकड़ों युवक, हज़ारों युवक युवतियाँ डॉक्टर्स बनने का सपना पूरा कर सकते हैं, तो आप उन गृहिणियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं इस विषय में बहुत स्पष्ट हूँ। अभी ये जो कोविड का समय आया है, उसमें यदि खरगोन का आंकड़ा देखें तो लगभग 60 से 65% मृत्यु मेल
है और लगभग 35 के लगभग अप्रॉक्सीमेटली फीमेल डेथ है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि हमने अपने परिवारों में या तो अर्निंग मेंबर्स को खोया है या फिर ऐसे लोगों को खोया है जो उस परिवार को चलाने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये आंकड़ा दिखाता है कि मजबूरी वश भी मेल मेंबर्स को घर से बाहर जाना पड़ा और कहीं ना कहीं उसकी क्षति उठाई। अब बहुत मार्मिक दृश्य है समाज में, कुछ दृश्य तो ऐसे हैं जहां परिवारों में चार चार पुरुष खत्म हो गए और अब घर में केवल महिलाएं और बच्चे बाकी रह गए। 3 महिलाएं हैं, 7 बच्चे हैं, ऐसे परिवार रह गए। तो कहीं ना कहीं ये जो नुकसान है इसको महिलाएं अब आने वाले समय में और बहुत बड़े स्तर पर उठाने वाली हैं, क्योंकि एक डॉक्टर को जब तैयार करती है महिलाएं, तो मैं ऐसी महिलाओं को भी जानती हूँ, ऐसी माताओं को जानती हूँ जो अपने बच्चे को जब मेडिकल तैयार करवाती हैं तो रात में 3 बजे उठ के गर्म पानी देना, चाहे चाय बना के देना, चाहे दूध बना के देना, जितने समय वो पढ़ाई करता है उतने समय उसकी माँ भी ड्यूटी कर रही होती है। तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में एक व्यक्तित्व का जब निर्माण होता है तो उसमें माताओं का, बहनों का, बेटियों का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। और इस कोविड में जो नुकसान हम बहनों ने, महिलाओं ने उठाया है, तो मैं उन सभी से यही कहना चाहूँगी कि ये एक मेडिकल की सुविधा यदि हो जाती है तो चाहे देश में थर्ड वेव क्यों ना आए, चाहे किसी भी तरीके का और कोई मेडिकल क्राइसिस क्यों ना आए, हम उसकी सुविधाओं का लाभ जिला केंद्र पर रहकर उठा सकते हैं। इससे जो क्षति हमने उठाई है उस क्षति को कम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम ये जो नुकसान है उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको कम करने में हम कहीं ना कहीं अपना योगदान दे पाएंगे। तो बहनें भी जागृत रहे और बहनें भी इसमें अपने विचार खुलकर रखें और सामने आएँ। यदि वो अपने विचारों को सही दिशा में रखती हैं, समाज का संबल बनती हैं, तो वो अपनी इन परिस्थितियों से, कठिनाइयों से बाहर आकर और कहीं ना कहीं इसमें एक अपना बड़ा सहयोग दे सकती हैं। सही कहा आपने, व्यापार का क्षेत्र हो, उत्पादन का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई भी नवनिर्माण की बात हो, जब भी ऐसा हुआ है उस क्षेत्र का चहुमुखी विकास हुआ है। निसंदेह अगर खरगोन में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है तो इस क्षेत्र में चहुमुखी विकास होगा। युवाओं की इच्छा, बुज़ुर्गों की इच्छा, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य, ये काफ़ी हद तक सुरक्षित होगा। और इस एक संस्थान के यहाँ खुलने से और भी काफ़ी सुविधाएँ इस क्षेत्र को मिल सकेंगी। अभी फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए HW24 न्यूज मध्य प्रदेश। नेताजी हाजिर हो, 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 नेताजी हाजिर हो। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। मेडिकल कॉलेज का सच, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का सच, जैसा कि हमने बताया, ये विषय रखने का, ये नाम रखने का इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि आम जनता जो खरगोन में मेडिकल कॉलेज स्थापना की राह तक रही है वो ये जान सके कि इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर क्या परेशानियां आ रही हैं, वो कौन सी रुकावटें हैं जिनको दूर करके मेडिकल कॉलेज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। और आपके सवालों का उत्तर जानने के लिए हम इस कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधियों को, अनेक बुद्धिजीवियों को बुला रहे हैं ताकि वो इस विषय पर स्पष्ट राय दे सकें और आम जनता के मन में जो विचार जन्म ले रहे हैं उनको, उनकी संतुष्टि मिल सके और साथ ही एक संघर्ष जो जन्म ले रहा है मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर उसको भी बल मिले। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर शालिनी रतोरिया। हम उन्हीं से ये जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में मैंने इसके पहले ये नहीं सुना कि किसी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के पहले या इसकी मांग को लेकर लोगों ने देहदान, अंगदान की घोषणा कर दी हो, लेकिन खरगोन मेडिकल कॉलेज को लेकर मैंने सोशल मीडिया पे कल ही देखा, एक मिस्टर जगदीश भावसार है और साथ ही 2 और व्यक्ति हैं जिन्होंने कि मृत्यु उपरांत मेडिकल कॉलेज खरगोन के लिए देहदान की घोषणा की है। इसको देखकर ही इस जज्बे का पता लगता है कि कितनी शिद्दत से खरगोन जिला मुख्यालय की जनता मेडिकल कॉलेज की राह तक रही है।
जी मैं ये कहना चाहूँगी कि जो निमाड़ है, निमाड़ के रहने वाले लोग बहुत मीठे हैं, सहृदय हैं और बहुत भावनात्मक हैं, और कभी भी मतलब निष्पक्ष बात करने का हमारा स्वभाव है, ये हमारा मूल स्वभाव है। जैसे मेडिकल कॉलेज की यदि बात करूँ तो उसका, मेडिकल कॉलेज हमारी जनता के दिल की बात है, हमारी भावनाएं हैं। इसको हम राजनीति से परे देख रहे हैं, इसको हम अन्य चुनौतियों से ऊपर उठकर देख रहे हैं। वो इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि यदि ये यहाँ पर आती है सुविधा तो कितने लोगों का जीवन बदल जाएगा, कितने लोगों के को कितनी तरह की सुविधाएं मिल पाएगी। तो ये जो भावना है ये किसी एक व्यक्ति की, दो व्यक्ति की नहीं, ये पूरी खरगोन की भावना है। इसलिए जब भी मेडिकल कॉलेज की बात आई तो जैसे ही बात सोशल प्लेटफॉर्म पे उठने लगी, आम जनता इससे बहुत तेज़ी से जुड़ गई, और जुड़ने में उसने ये नहीं देखा कि मेरी उम्र क्या है, मेरे मैं किस संगठन से हूँ या मैं किस सोच से हूँ, किस विचारधारा से हूँ। सभी ने एकमत होकर इस बात को स्वीकार किया, और उसी में जैसे ये एक दिल की बात है, और उनका मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने इस विषय पे, बहुत सारे लोगों ने अपने देहदान की घोषणा करना शुरू की, लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं इस भाव से आगे आ रहे हैं। तो हमें ये लोगों के मन की बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म पे स्ट्रेटेजी वाइज इसको यदि हम उठाएंगे तो ये मेडिकल कॉलेज खरगोन में आएगा ही, सिर्फ बातों में ही नहीं, हम पेपर प्रोसेसिंग में, हम इसकी पूरी स्ट्रेटेजी में मजबूती के साथ उतरें, तो हम निर्भर ना होते हुए खुद इस तरीके से प्रयास कर पाएंगे कि अंततः ये मेडिकल कॉलेज यहीं आएगा, और इन जन भावनाओं का बहुत बहुत सम्मान। विजयलक्ष्मी जी, जिस प्रकार से ये मेडिकल कॉलेज का मुद्दा एक बड़ा स्वरूप ले रहा है और जनप्रतिनिधियों तक को आगे आकर के पत्र लिखना पड़ रहे हैं, उनको प्रेस वार्ताएं करना पड़ रही है कि हम मेडिकल कॉलेज के समर्थन में कि खरगोन में स्थापना हो, लेकिन एक मंच पे आके वो ये जवाब नहीं दे रहे हैं, या एक साथ खड़े होकर के ये नहीं बोल रहे हैं कि खरगोन जिला मुख्यालय पर ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। दूसरी बात, कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो महेश्वर क्षेत्र है, जहाँ पर पहले डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो ने हॉस्पिटल जिला मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना स्वीकृत करवाई थी, आज उस क्षेत्र के लोगों में और इस क्षेत्र के लोगों में कुछ मन मुटाव की स्थिति देखने को मिल रही सोशल मीडिया पे। तो ये आपसी जो एक मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं, तो इस समय तो नैतिक रूप से जिम्मेदारी बनती है इन चुने गए जनप्रतिनिधियों, क्योंकि एक मंच पर आके आम जनता को एक साथ खड़े करें और एक मंच से एक राय प्रस्तुत करें, क्या क्या सोचती हैं आप? अदनी, मेरा निवेदन यही था कि ये जो मेडिकल कॉलेज है ये किसी विधानसभा के लिए ना हो, ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए ना हो, ये जनमानस की चीज़ है, ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है। यहाँ पर हर व्यक्ति, हम शुरू से ही कहते हैं कि सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन लाइनों का ही अर्थ होता है कि सभी जिले में जहाँ जो भी रोगी है उसका इलाज हो, जिसे भी कोई तकलीफ हो वो तकलीफ से मुक्त हो। इन संस्कृत के वाक्यों को हम पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आए हैं, बोलते आए, लेकिन उसका अर्थ कब समझेंगे? ये कोई विषय ऐसा नहीं है कि महेश्वर के लोग विवाद करें, खरगोन के करें, भगवानपुरा के करें, बीकनगांव के करें, कोई लोग अलग नहीं है, हम एक कुटुंब के लोग हैं, और कुटुंब का मुखिया जो होता है उसका काम होता है सबको जोड़े और सबके हित में जो बात हो उसे रखे। अब जहाँ जनप्रतिनिधि आपस में अपने स्वार्थों को लेके बैठ जाएं, मैं मेरे विधानसभा में ले लूं, आप अपनी विधानसभा में ले लें, तो क्या हम जनमानस की भावनाओं को समझ रहे हैं? एक मेडिकल कॉलेज खुलता है तो छः विधानसभाएं हैं, उन सभी विधानसभा के सारे विद्यार्थी हमारे हैं, हमारा परिवार है। उस परिवार का बच्चा अगर महेश्वर से डॉक्टर बने, भिकनगांव से बने, भगवानपुरा से बने, खरगोन से बने, है तो अपने परिवार के बच्चे, फिर बच्चों को क्यों लड़ाना? जो हित की बात है वो सब जनप्रतिनिधि बैठ के कर ले, जनता की राय जान ले, और उसको जो सच है उसे आगे बढ़ाए। हमेशा हम अपने स्वार्थों को ऊपर रखकर राष्ट्र हित को भूल जाएंगे, देश हित को भूल जाएंगे, और फिर कहेंगे जनता लड़ रही है, लड़ाते भी हम ही हैं।
हमारा वही कहना है कि ये सभी नेता, वो पक्ष हो विपक्ष हो कोई भी हो, अगर एक मंच पे खड़े होकर एक सुर में बोलते हैं कि जिला मुख्यालय पे मेडिकल कॉलेज की स्थापना होना है, तो इस संबंध में प्रदेश जो नेतृत्व है, मुख्यमंत्री है, उनके सामने एक बात जाएगी कि जिला मुख्यालय पर सभी एक मत है कि जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, इसमें कोई विवाद नहीं है। ऊपर जो शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश का, उसको भी इस घोषणा को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये किया जाए। अब अभी फिलहाल में मुख्यमंत्री जी ने, शालिनी जी, प्रदेश की एक स्थान पर घोषणा की है कि मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा की, और भूमि पूजन भी शायद कर दिया उन्होंने, उज्जैन की बात है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। तो खरगोन को लेकर भी ये विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जनता संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए क्यों ना मुख्यमंत्री स्वयं ही ये घोषणा कर दें कि जिला मुख्यालय पर खरगोन में मेडिकल कॉलेज बनेगा, क्योंकि ये राज्य का विषय, स्थान का चयन, पूरा मामला ही शांत हो जाएगा। जी मैं इस विषय में जो जितना जानती हूँ कि आर्थिक सर्वे में कहीं ना कहीं जो है वो प्राथमिकताओं में हम पिछड़े हैं कि तो डेटा बेस्ड यदि बात करें तो लाभान्वित होने वाली जनता किस क्षेत्र में और कितना स्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च होने वाला, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे पास स्ट्रक्चर है, हमारे पास मेडिकल जिसे मिनिमम 300 बेड की रिक्वायरमेंट है, उसका हॉस्पिटल हमारे पास पहले से है। यदि हम बजट की बात करें और बजट में इसको नए सिरे से तैयार करना, तो ये एक बहुत बड़ा और खर्चीला काम है। इसीलिए यदि हम खरगोन मुख्यालय को प्राथमिकता में रख के इस तरीके से बात यदि मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो भी देर नहीं करेंगे इस निर्णय को लेने में, क्योंकि अभी जैसे यहाँ सीटी स्कैन की मशीन, अन्य सुविधाएं, आईसीयू बेड में सुविधाएं, ये सतत बढ़ाने का काम जारी है, तो हम मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को भी पूरे कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खर्च हमें लगना है वो कहीं ना कहीं मिनिमम है। तो जो बजट वाला इशू है उसमें भी कहीं ना कहीं हम जिला मुख्यालय से इस विजय की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा, अभी ये सूचनाएँ भी मिल रही हैं कि खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज के लिए जगह का चयन भी किया जा रहा है, लेकिन अभी स्पष्ट तौर पर जिला प्रशासन ने साफ नहीं किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में ये घोषणा हो जाएगी स्थान चयन को लेकर के, तो एक ये भी एक सुखद विषय है। जी देखिए, शीर्ष नेतृत्व की मंशा तो साफ है, प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो घोषणा कर ही दी। राज्य सरकार के पास जब विषय आया तो बजट को लेके कुछ जो निर्णय पेंडिंग हुआ है, मुझे लगता है यदि सही स्तर से पेपर वर्क के साथ हम जब बात रखेंगे तो बिल्कुल भी देरी मुख्यमंत्री जी भी निर्णय लेने में नहीं करेंगे, और जैसे ज़मीन देखने का काम शुरू हो गया है तो बहुत जल्दी मुझे लगता है खरगोन कोई अच्छा समाचार सुन सकता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि सही पेपर वर्क से वर्क को तैयार करके अगर हम आगे बढ़ते हैं, हम अपनी बातों को रखते हैं, तो उसको मंजूर होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। संघर्ष समिति के सदस्यों के बीच भी जो चर्चाएं चल रही हैं, कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के पत्र, राज्य शासन के पत्र, इन पत्रों का उल्लेख किया जा रहा है, और बार बार वो इनको लेकर के एक पूरी रिपोर्ट तैयार करने की बात कर रहे हैं जो जल्द ही तैयार हो जाएगी, और उस रिपोर्ट को लेकर ही वो प्रदेश के नेतृत्व के सामने जाएंगे और मेडिकल कॉलेज स्थापना की बात करेंगे। तो निसंदेह आपने जिस प्रकार से बताया कि सही पेपर वर्क होता है, सही लाइन अगर होती है, तो बहुत जल्द ये स्वीकृतियाँ मिल जाएगी और ऐसा होगा, ये हमारी शुभकामनाएं भी है संघर्ष समिति को। विजयलक्ष्मी जी, हम फिर उसी बात पर आ जाते हैं, क्या इस जन आंदोलन का जो बताया जा रहा है कि अभी कोरोना के कारण सिमटा सा है, सिर्फ सोशल मीडिया पे और फ़ोन कॉल्स पर चल रहा है, लेकिन साथ में ये भी सुनने में आ रहा है कि कोरोना प्रभाव के खत्म होने के बाद ये आंदोलन सड़कों पर उतरेगा, तो क्या सड़कों पर उतरने से पहले जनप्रतिनिधि जाग जाएँ, ये अच्छी बात नहीं है? जी बिल्कुल भाई साहब, मैं पूरी खरगोन जिले की जनता से, खरगोन नहीं, खरगोन जिले की जनता से निवेदन करना चाहूँगी कि वो पहले तो जितना भी प्रशासनिक ढांचा तैयार करके जो प्रशासनिक लोग ऊपर भेज रहे हैं अपनी जगह है, उसके बाद हमारी भूमिका है जो हम सोशल मीडिया पे कर रहे हैं वो भी करें, और उसके बाद जन आंदोलन अगर मंच हमें रोड पर भी लाना पड़े तो उसके लिए पीछे ना हटे, क्योंकि कोई भी चीज़ हम अनावश्यक नहीं मांग रहे हैं, हम जनमानस के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ऐसी चीज़ मांग रहे हैं जो आज जो कोरोना समय में हमने खोया है ना, बहुत सारा खो दिया,
अगर उसका आकलन करने जाएं तो गिनती और आंकड़े सारे खत्म हो जाते हैं। तो शायद भविष्य में कोई ऐसी लहर आए, भविष्य में ऐसी कोई और विपदा आए तो उसको रोकने के लिए एक बांध बनाने का काम कर रहे हैं। और बांध के निर्माण में अगर हम गिलहरियाँ बन जाएं, जो राम सेतु निर्माण में बन गई थी, तो क्या फर्क पड़ता है। और मैं तो निवेदन करूँगी इस खरगोन जिले की सारी नारी शक्ति से भी, क्योंकि हम 50% जनसंख्या है लेकिन 100% शक्ति भी है। हम घर से निकले और साथ में बच्चों को भी ले लें और घर के जो मुखिया उनको भी समझाएं कि हमारा भविष्य इसी से उज्जवल होना है, हमारे निमाड़ का नाम कहीं ना कहीं नक्शे पर इसी से आना है। तो नारी शक्ति थोड़ा आगे आए, जनमानस भी आगे आएगा और निसंदेह आने वाले समय में पूरा हिंदुस्तान इस बात को कहीं ना कहीं रखेगा कि खरगोन की पूरे जिले की जनता ने इस चीज़ की मांग की और बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों को जनता के सामने झुकना पड़ा। विजयलक्ष्मी जी, शालिनी जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें कही और SW24 न्यूज भी निरंतर अपने कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता से, प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से यही अपील कर रहा है कि जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना का जो भी मार्ग है उसको प्रशस्त किया जाए, उसमें जो भी शासकीय प्रशासकीय रुकावटें आ रही हैं उनको तुरंत आपसी तालमेल से दूर किया जाए। जहाँ तक हमने अभी बात करी थी स्थान चयन को लेकर, तो प्रदेश सरकार ने फिलहाल में तो जिला प्रशासन से ऐसा कोई प्रस्ताव बुलाया है इसकी सूचनाएं नहीं है, और हमारे चैनल के माध्यम से हम इन सूचनाओं को जुटा भी रहे हैं ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके कि खरगोन जिला प्रशासन स्थान चयन को लेकर के पूरी तरह तैयार हो चुका है। लेकिन जो जनप्रतिनिधियों और क्षेत्र में चर्चा है उससे पता चलता है कि जिला प्रशासन जल्द ही खरगोन जिला मुख्यालय के आसपास वो बड़ा क्षेत्र तलाश करेगा जिसमें मेडिकल कॉलेज की सुव्यवस्थित रूप से स्थापना की जा सके। इसके लिए 3 क्षेत्र भी बताए जा रहे हैं जिनकी नापतोल और उनका आकलन किया जा रहा है, लेकिन ये सारे प्रशासनिक आकलन पूरे होने के बाद ही जो प्रस्ताव बना के भेजा जाएगा उस प्रस्ताव पर ही ये निर्भर करेगा कि वो प्रस्ताव मान्य करने लायक है या नहीं, वो सारे मेडिकल कॉलेज के मापदंडों के अनुरूप ठहर पाता भी है या नहीं। लेकिन स्थानीय स्तर पर बताया जा रहा है कि जो भी भूखंड हैं वो पूरी तरह से मेडिकल कॉलेज के लिए उपयुक्त हैं, इससे जो मुख्य मांग है स्थान की वो तो पूरी होती है और बाकी इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के ऊपर है कि वो कितने पुरजोर तरीके से ये मांग शीर्ष नेतृत्व के सामने रखते हैं जिससे खरगोन शहर की जनता को मेडिकल कॉलेज मिल सके। और जैसे कि हमारे चैनल पर कार्यक्रमों के माध्यम से हम निरंतर आपको ये बता रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज अगर खरगोन जिला मुख्यालय पर बनता है तो इसका लाभ सिर्फ खरगोन शहर की जनता को नहीं है या खरगोन जिले को नहीं है, इससे आसपास के वो सारे आदिवासी जिले, आदिवासी बहुल जिले जैसे अलीराजपुर है, झाबुआ है, धार है, आपके बड़वानी है, इन सभी जिलों को लाभ मिल सकेगा। मध्य प्रदेश सरकार या अभी तक जो भी राजनीतिक दल कहते आए हैं आदिवासी बहुल, आदिवासी बहुल, तो इस बहुतायत आदिवासी जनता को मेडिकल कॉलेज की अगर सुविधा मिलती है तो निसंदेह ये प्रदेश की सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम होगा और इस क्षेत्र में रहने वालों के लिए भी एक माइलस्टोन कहलाएगा विकास को लेकर के। आज के इस कार्यक्रम में आप दोनों हमारे साथ यहाँ शामिल हुए, इसके लिए हम शालिनी जी आपका भी, विजयलक्ष्मी जी आपका भी धन्यवाद करते हैं। और मेडिकल कॉलेज का सच इस विषय पर हमारी चर्चा नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में यूं ही जारी रहेगी। अगले कार्यक्रम में हम फिर कुछ और शख्सियतों के साथ मिलेंगे और जानेंगे मेडिकल कॉलेज का सच। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी।